सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन के बारे में, जो कि आपका आता है ब्रॉडकास्ट मैसेज। देखिए, व्हाट्सएप तो लगभग बहुत सारे लोग चलाते हैं, लेकिन उन सभी में से बहुत सारे लगभग 99% लोगों को इसका फीचर के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम लोग एक साथ जो है मिनिमम 5 आदमी को शेयर कर सकते हैं किसी भी मैसेज को, लेकिन मैं सेटिंग के बारे में यानी स्ट्रिक के माध्यम से आपको ये बता सकता हूँ, बताने वाला हूँ कि आप एक बार में बहुत सारे लोगों को कैसे मैसेज सेंड करें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब भी यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू ब्रॉडकास्ट। ओके, मैं आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ ये है क्या। तो पहले समझते हैं इसका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जब भी आप इसमें क्लिक करेंगे न्यू ब्रॉडकास्ट में, तो आपसे जिस तरह आप व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हैं ना, उस तरह यहाँ पे एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन उस ग्रुप में और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, सपोज किया हमने कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, किसी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ राहुल। ओके, मैंने यहाँ से क्या किया, राहुल को सिलेक्ट कर लिया। ओके, और फिर देखिए इसमें आपको मिनिमम, जैसे आप इसको टिक लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2 कॉन्टेक्ट्स मस्ट बी सिलेक्टेड, यानी कि आपको 2 कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ क्या है आखिर ये। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया कुलदीप। ओके, मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 सेलेक्ट किया। आप 2 के अलावा जितना चाहे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए, इसका मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन कितना अच्छा लगा मैं बताता हूँ आपको, ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये है क्या, यहाँ पे एक तरह देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है, यानी जिस तरह आपको नॉर्मली ग्रुप बनाते हो वैसा ग्रुप बन गया। आप चाहे तो यहाँ से इस ग्रुप का यानी कि कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं दे देता हूँ आपको ABCD, कुछ भी एनीथिंग। तो यहाँ से आपका सेम एज इट इज ग्रुप जैसा बनेगा, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, ये आपका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है। ओके, अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज सेंड किया, जैसे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हाई। ओके, तो मैं जैसे इस हाई को लिख के सेंड करूँगा तो ऑटोमेटिक ये मैसेज उन सभी लोगों तक चल जाएगा। लेकिन देखिए, उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि वो एक ग्रुप से जुड़ चुके हैं। ओके, यानी कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कुलदीप एंड राहुल है, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको ABCD, ये बस मेरे पास रहेगा, उन लोगों के पास नहीं जाएगा। यानी कि जिस तरह हम लोग नॉर्मली मैसेज सेंड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे नॉर्मली मैसेज है, तो यानी कि वैसे बिल्कुल नॉर्मल मैसेज जाएगा वहाँ पर, ना कि उसको कोई ग्रुप दिखाया जाएगा। ओके, जिस तरह देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे पास एक ग्रुप है, PNM कॉलेज गोमो का ग्रुप है, यानी कि इस तरह से उसे कोई ग्रुप दिखाया नहीं जाएगा, बस उसको मैसेज पहुंच जाएगा। यानी कि आप इसमें जब भी कुछ मैसेज सेंड करेंगे इस ग्रुप में, तो जितने लोगों को आपने ग्रुप में ऐड करके रखा हुआ है, सभी लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा, वो भी पर्सनली मैसेज पहुंचेगा, ना कि ग्रुप वाला मैसेज पहुंचेगा, इस बात को ध्यान रखें। ओके, अब फिर यहाँ पे और एक चीज़, यहाँ पे मैंने इसमें एक बग ढूंढा, यहाँ पे बग बोल सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा, हालांकि ये भी काफ़ी अच्छा फीचर बनाया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। देखिए, इसमें होता क्या है, मान लें सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया कुछ लोगों को। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। अब अगर सपोज जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुलदीप, अगर कुलदीप ने मेरा नंबर सेव नहीं किया अपने व्हाट्सएप ने, अपने कॉन्टैक्ट में सेव नहीं किया मेरा नंबर, तो उसके पास ये मैसेज नहीं जाएगा। यानी कि जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव किया है और मैंने भी उनका नंबर अपने कॉन्टैक्ट में सेव किया है, उन सभी तक ये मैसेज जाएगा। देखिए, नॉर्मल ग्रुप में क्या होते हैं, सपोज मैं यहाँ पे कोई भी आपको ग्रुप दिखा, जैसे ये ग्रुप। ओके, देखिए इस ग्रुप में क्या होता है, अगर कोई भी मैसेज सेंड करता है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ मैसेज सेंड किया यहाँ पे, तो यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया उन तक भी मैसेज पहुँच जाता है। जिन लोगों ने सेव किया वो तो पहुँचेगा ही, जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव नहीं किया उन तक भी मैसेज पहुँच जाता है। लेकिन इस ग्रुप में जो दिया गया है, इसमें जो मैंने दिखाया आपको ये ब्रॉडकास्ट मैसेज में, जिन लोगों ने मेरा नंबर सेव किया है उन्हीं लोगों तक मेरा मैसेज जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। हालांकि ये ऑप्शन बग नहीं बोल सकते, ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा ये लगा कि आप एक साथ यहाँ पे ग्रुप में, देखिए एक काम कीजिए, आप ग्रुप में जितना चाहे लोगों को ऐड कर लीजिए, यानी जितना लोगों को मैसेज आपको एक साथ सेंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपको ऐड करना है, यहाँ पे एडिट में जा करके, मैंने सपोर्ट मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हाय गुड मॉर्निंग। ओके, तो यानी कि ये लिखने के बाद जब भी मैसेज सेंड करूंगा तो पर्सनली इन सभी लोगों को तक मैसेज वो पहुँच जाएगा, यानी कि मुझे अलग अलग से किसी को भेजने की जरूरत नहीं है मैसेज। ओके, यानी कि आप जितना लोगों को यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रुप के अंदर उतना लोगों तक वो मैसेज पहुँच जाएगा। तो ये फीचर मुझे व्हाट्सएप का काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। हालांकि मुझे
मुझे क्या आप सभी लोगों को भी बहुत सारे लोगों को लगभग 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं था ओके सो इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मैंने पता किया इसके बारे में क्या कि है क्या, तो मुझे रिसर्च से ये मिला इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो आई होप डेफिनेटली यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो जरूर कर देना यार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है इसको, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस सीक्रेट सेटिंग के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए सबसे पहले लाता हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।